चलिए आज की क्लास में हम डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर पर डिस्कशन करते हैं। तो पहले वही जो से हमने इससे पहले डिस्कशन किया था कि डिस्ट्रिक्ट की जो भौगोलिक अवस्थिति है उसको देख लेते हैं, वो क्या है, कहाँ पर क्या चीज है। देखिए बागेश्वर जिला देखिएगा, इसमें आप लोग, आपको दिख रहा होगा पिंक कलर से है, बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, थोड़ा करके राइट हैंड साइड में। अब देखिए बागेश्वर के दाएं बाएं क्या क्या है। बागेश्वर से ऊपर की ओर आपको चमोली और पिथौरागढ़ दोनों देखना है। तो हम कहें कि उत्तर में क्या है बागेश्वर के, चमोली भी है पिथौरागढ़ भी है, राइट। बागेश्वर के दक्षिण में कौन सा जिला है, अल्मोड़ा है। बागेश्वर के पश्चिम में क्या है, तो चमोली है। पूरब में क्या है, तो पिथौरागढ़ ही है पूरा। इस प्रकार से बागेश्वर केवल तीन ही जिलों से घिरा हुआ है, जिनमें से एक चमोली है, पिथौरागढ़ है और अल्मोड़ा है। बागेश्वर की कोई भी अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनती है। चलिए अब जल्दी से हम बागेश्वर की जो विशेष बातें हैं उनको देख लेते हैं। आज का की कोशिश है कि आज तीन हमारे जिले हो जाएं कंप्लीट, क्योंकि अब समय हमारा रह भी नहीं गया इतना। इसका संक्षिप्त इतिहास देख लीजिए आप। 15 सितंबर 1997 में इसको जिला बनाया गया। इससे पहले ये अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता था और कुछ भाग इसका पिथौरागढ़ जिले से भी लिया गया है। बागेश्वर के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ की, वो है कुली बेगार। देखिए मैंने सर्किल कर रखा है, कुली बेगार आंदोलन लिख लीजिएगा आप लोग सभी। बागेश्वर का कुली बेगार आंदोलन ब्रैकेट में 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन ब्रैकेट क्लोज। बागेश्वर का कुली बेगार आंदोलन 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के दिन ब्रैकेट क्लोज बागनाथ मंदिर में शुरू हुआ। इसे ही गांधी जी द्वारा रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। इसे ही गांधी जी द्वारा रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। देखा, इस आंदोलन की शुरुआत चामी गांव से 1 जनवरी 1921 में हुई। अंग्रेज लेखक ओस्लो ने लिखा कि 1871 में सरयू ने इसके किनारे की बस्ती व पुलों को तपा कर दिया था। 1913 में झूला पुल का निर्माण किया गया जो वर्तमान में भी प्रयोग में है। तो लिख लीजिएगा बागेश्वर का झूला पुल, बागेश्वर का झूला पुल डैश 1913 से लिख लीजिएगा। लिखिए कपकोट के महोली में सात ऐतिहासिक वीर खंबे हैं, सात ऐतिहासिक वीर खंबे हैं, ठीक है, जो कि एक ही रात में बनाए गए थे। लिख लिया। इसके बाद 1925 में बागेश्वर मेले में विक्टर मोहन जोशी ने खादी प्रदर्शनी आयोजित की थी। ये संबंध नहीं रहेगा, लिख लीजिएगा। तो फिर भी आप 1925 में बागेश्वर मेले में विक्टर मोहन जोशी द्वारा खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। देखिए आप कुमाऊं का कोई भी जिला पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी ब्रिटिश कमिश्नरीज के अंदर था, तो इसका ऐतिहासिक महत्व थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्लियर हो गया? तो प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा इनको आप, चाहे आंदोलन हो चाहे कुछ हो। जिले के प्रमुख तीर्थ कौन कौन से, देखो सबसे पहले बागनाथ मंदिर, इसके बाद गरुड़ तहसील, ठीक है, इसके बाद कोट भ्रामरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको आप। इसके बाद मांगरी गोल, तैलीहाट, बद्रीनाथ मंदिर समूह गढ़सेर में, लिख लीजिएगा गढ़सेर में विष्णु की चतुर्भुजीय प्रतिमा, गरुड़ तहसील में लिखिएगा आप। गरुड़ तहसील में अपना 26 मंदिरों का एक समूह है।
26 मंदिरों का एक समूह है। ठीक है, लिखिएगा। अच्छा, गरुड़ तहसील में आपने ये बैजनाथ भी लिख दीजिएगा। हाँ, बैजनाथ, बैजनाथ कत्यूरी शासकों का मंदिर है। ठीक है, के बाद आगे बढ़ते हैं। कपकोट तहसील, कपकोट तहसील देखिए खीर गंगा और सरयू के तट पर है। देख लीजिएगा इसको आप, कपकोट तहसील खीर गंगा और सरयू के तट पर। यहाँ पर खाड़ेश्वर बाबा मंदिर, नौलिंग देव मंदिर, नौलिंग देव मंदिर थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहेगा, आपको इसको नोट कर लीजिएगा। नौलिंग देव मंदिर, फिर जिलम झरना, जिलम झरना, जिलम झरना इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसको भी आप। फिर है कांडा तहसील में, देखिए आप कांडा तहसील, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, मस्तूरी सॉरी मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, कस्तूरी मृग होगा, ये मिसप्रिंट है। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र लिखा। फिर आते हैं कौसानी की तरफ। कौसानी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक इसका महत्व है बहुत ज्यादा। लिखिएगा कौसानी का पूर्व नाम बलना, बलौना, बलना। ठीक है, यह पिंगनाथ की पहाड़ी पर है, पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर पिनाकेश्वर मंदिर है, शिव के धनुष के नाम पर। ठीक है, शिव धनुष के नाम पर पिनाकेश्वर मंदिर है। देखिए 1929 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे, 1929 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे। लिखिएगा सुमित्रा नंदन पंथ का पैतृक गांव है यहाँ। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंथ का पैतृक गांव पंथ विथिका, पंथ विथिका नाम नोट कर लीजिएगा, पंथ विथिका, पंथ विथिका नोट कीजिएगा, हो सकता है पूछ दे। ठीक है, अब लिखिए अनाशक्ति आश्रम महात्मा गांधी द्वारा यहाँ बसाया गया था। अनाशक्ति आश्रम महात्मा गांधी द्वारा, और महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। ठीक है, कहा है महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है, किसमें कहा है, तो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र, लिखिएगा ब्रैकेट में यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में। आप सब, तो मेरी आवाज तो आ रही है ना। देखिए जो मैं भी आपको कौसानी के बारे में बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड के जीके के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ये आपका ऑल ओवर इंडिया का जो हमारा जीके है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। राइट, गांधी जी के से संबंधित है, सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित है, राष्ट्र कवि हैं वो भी। लक्ष्मी आश्रम सरला बहन द्वारा, लक्ष्मी आश्रम सरला बहन द्वारा। ठीक है, लिखिए इसका मूल नाम, सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हाइलामाइन, कैथरीन हाइलामाइन। देखो सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हाइलामाइन। पंत संग्रहालय पूछा जाएगा आपसे, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कहाँ है आपका, बागेश्वर में। ठीक है, कौशानी में ही। ट्रेल पास दर्रा, देखिए तो बता चुका हूँ आपको पहले ही, मैं जब दर्रे पढ़ाए थे आपको मैंने स्टार्टिंग में, है ना। ट्रेल पास दर्रा लिखिएगा, कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1830 में। श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर, तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है। शिखर मंदिर, भद्रकाली मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, भद्रकाली मंदिर लिख लीजिएगा। ठीक है,
है काली मठ, कहाँ है बता आपको? ये काली मठ लिखा है, ये आपको पढ़ाया था मैंने। कहाँ पड़ता है ये? रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, ऐसे है ना, पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग आज। मोहोली का शिवालय, नाकुरी, जिले की प्रमुख गुफाएं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा। जिले की प्रमुख गुफाएं, हाँ ठीक है। गुफाएं देखो यहाँ पर, जोगावाड़ी गुफा नहीं है इम्पोर्टेंट, व्यास गुफा इम्पोर्टेंट है। व्यास गुफा नोट कर लीजिएगा आप, व्यास गुफा ठीक है। एक वशिष्ठ गुफा थी, वो कहाँ थी? आपकी टिहरी में थी, है ना। भद्रकाली गुफा, छुकोरी डाना, लघु उडियार, गौरी उडियार। गौरी उडियार पूछा गया है एग्जाम्स में, गौरी उडियार ठीक है। जिले के ग्लेशियर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें पिंडारी है, नाम सुना होगा बहुत आपने, पिंडारी, सुंदर डूंगा ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बाकी भी आप नोट कर लीजिए, हीरामणि, कफनी, नामिक, शंभू, ग्लेशियर आदि। फिर है जिले की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? देखो तो सूरज कुंड, अग्निकुंड, क्षीर गंगा, सुकुंडा ताल, पोथिंग गांव, कपकोट में भीम द्वारा निर्मित झील थी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका। सुकुंडा ताल, तप्त कुंड और भी पड़ते हैं दो तीन जगह ठीक है। देवी कुंड, बैजनाथ जी ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिएगा ठीक है। सुंदर डूंगा ग्लेशियर के निकट, देवी कुंड। जिले की प्रमुख नदियां तो बता ही चुका हूं आपको मैं, सरयू नदी है। सरयू का उद्गम स्थान क्या है? सरमूल, है ना, सरमूल से निकलकर पंचेश्वर तक का सफर तय करने वाली कालीमठ समा जाती है। फिर है बागेश्वर में, ये सरयू नदी गोमती के साथ संगम बनाती है, ये भी लिख लीजिएगा। बागेश्वर में गोमती के साथ संगम। रामचरित मानस में इसे मानस नंदिनी कहा गया है, रामचरित मानस में इसको मानस नंदिनी कहा गया है। इसके बाद मिलिंद पन्हों में इसको किसने लिखी? मिलिंद पन्हों बताओ, इतिहास में पढ़ाया आपको मैंने। इसको सरभू कहा गया है, सरभू, सरभू कहा गया है। फिर है गोमती नदी, भदकोट के समीप वेणु पर्वत से निकलती है, नोट कर लीजिएगा आप गोमती को, वेणु से निकलती है। अब अभी बताया आपको मैंने कि बागेश्वर में सरयू के साथ संगम करती है ठीक है। बैजनाथ का जो बैराज है वो इसी पर है। इसके बाद पिंडारी नदी, पिंडारी ग्लेशियर से, और कर्णप्रयाग में लगने से मिलती है, बता चुका हूँ। चमोली पढ़ाते हुए बताया था ना आपको मैंने कि पिंडारी ग्लेशियर जो है, सॉरी पिंडारी नदी जो है वो कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिल जाती है। बेलंगाड़, बागेश्वर का प्रसिद्ध मेला है उत्तरायणी मेला, बागेश्वर का प्रसिद्ध मेला है उत्तरायणी मेला, जो कि मकर संक्रांति के दिन लगाया जाता है। और स्वराज हुनेर छू, यानी कि स्वराज होने वाला है कि भावना से गांव गांव में पहुंच रही थी उस समय, ये मेला आपका चलाया गया था। इसके बाद कोट की माई का मेला दूसरा मेला है। देखो कोट की माई का मेला, पहला उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत, बागेश्वर में लगता है। कोट की माई का मेला कहाँ लगता है? देखिए कोट ब्राह्मणी मंदिर में आयोजित किया जाता है, कोट ब्राह्मणी मंदिर में आयोजित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देश प्रदेश सॉरी जिले की प्रमुख व्यक्ति देखिए आप, मोहन सिंह मेहता, महेश चंद्र। देखो ये तो आपको पता ही कि मैंने आपको ये पीडीएफ दे रखा है, तो आप और चाहो तो और पढ़ सकते हो इसमें, हालांकि उतनी आवश्यकता नहीं है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप पढ़ लें, वही काफी है। अगर पढ़ना चाहेंगे तो और पढ़ सकते हैं, मतलब किसी के मन में प्रश्न आ रहा हो कि
सर इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे आप, आपके पास आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब इसमें ऐसा कुछ बताने योग्य तो है नहीं ना कि महेश चंद्र महेश नंद मूर्तिकार थे, इनका जन्म अब हुआ था यहाँ हुआ था, ये तो पढ़ सकते हैं आप। ललित मोहन पंत, दिवाकर भट्ट इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा आप, दिवाकर भट्ट को। ठीक है, फिर सुमित्रा रंजन पंत तो बताने की जरूरत ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुमित्रा रंजन पंत के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा आप, लोग अच्छे थे, कौसानी में इनका जन्म हुआ था, और इनको चिदंबरा, इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। फिर है हयात सिंह खेतवाल, बिस्नी देवी शाह, गुसाई सिंह दफोटी आदि। जनपद के प्रमुख समाचार पत्र देखो, बागनाथ, बागेश्वर संवाद, हिमालय के स्वर, ये हिमालय के स्वर इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, और सगोत्री भी ठीक ठाक ही लग रहा है पूछने लायक। हिमालय के स्वर तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न है पूछा जा सकता है आपसे। चलिए फिर, ये बागनाथ किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो यशपाल मेहरा द्वारा, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आपका बागेश्वर का जो कंटेंट था वो हमारे यहाँ पूरा हो चुका है। बहुत डिटेल पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ भेज दिया है मैंने, आप लोग एक नजर देखिए इसको 5 मिनट, फिर मैं 5 मिनट बाद रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, आज 3 डिस्ट्रिक्ट हमने पूरे करने हैं, अभी रुद्रप्रयाग करेंगे, फिर उसके बाद हरिद्वार करेंगे। तो फटाफट आप लोग 5 मिनट का समय लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब 5 मिनट ऐसा नहीं कि आप लोग जा करके इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, इसको पढ़िए आप 5 मिनट पूरा लेकर के, निकालिए पीडीएफ और पढ़िए इसको। चलिए।